भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने अचानक पॉलिटिक्स से ब्रेक लेने की घोषणा करते हुए सभी को चौंका दिया। गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर किए उस ऐलान में इस फैसले की वजह क्रिकेट कमिटमेंट को बताया था। अब अपने क्रिकेट कमिटमेंट्स पर गौतम गंभीर ने पहली बार खुलकर बात की है। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गंभीर ने जोर देकर कहा है कि टूर्नामेंट में सफल होने के लिए आपको सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना होगा। स्टार स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में गंभीर ने कहा है, आईपीएल दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण लीग है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लेवल का ही है। गौतम गंभीर ने कहा, शुरुआत से ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मेरे लिए आईपीएल एक गंभीर क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये बॉलीवुड व्यक्तिगत एजेंडा या मैच के बाद की पार्टियों के बारे में नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के बारे में है। यही वजह है कि मेरा मानना है कि यह विश्व स्तर पर सबसे कठिन लीग है, ये उचित क्रिकेट के लिए एक मंच है। गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बार चैंपियन बनाया है। अब अपनी दूसरी पारी में वो मेंटोर के रोल में नजर आने वाले हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला मैच 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। गौतम गंभीर ने कहा है, कोलकाता के फैंस सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, हम उन पर ईमानदार होने और उनके चेहरों पर खुशी लाने का प्रयास करने के लिए एहसानमंद है। आईपीएल के शुरुआती 3 साल के दौरान कोलकाता के प्रशंसकों ने बहुत कुछ सहा है और वो हमारे समर्पण के लायक है। मेरा हमेशा से मानना है कि ग्लैमर मायने नहीं रखता है, ये क्रिकेट के मैदान पर हमारा प्रदर्शन है जो परिभाषित करता है। केकेआर को उनकी ऑफ फील्ड गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि उनकी ऑन फील्ड उपलब्धियों के लिए पहचाना जाना चाहिए। गौतम गंभीर बतौर कप्तान तो कोलकाता को दो बार चैंपियन बना चुके हैं, लेकिन मेंटोर के रूप में क्या गौतम गंभीर इस बार आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बना पाते हैं नहीं, ये देखने लायक होगा।